मीठी, ये सबको आरती दे दो और उसके बाद प्रसाद दे दे। क्या हुआ एमजी? वो लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया। मैं निकाल दूं? आपके परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए एक विशेष प्रार्थना करनी है, परिवार के सभी सदस्यों को बुला लीजिए। जी। ये अहम और गोपी वह कहां है? अब ठीक है, गोपी वाओ यहां आ जाओ। कोकिला बहन, महाशिवरात्रि की विशेष पूजा संपूर्ण हुई। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, ये क्या? अरे आपने हमें भी उतनी ही दक्षिणा दी जितनी कि इन पंडित जी को। आपको तो पता है कि हम आपके घर में हर वर्ष ये पूजन कराने आते हैं। देखिए पंडित जी, आपको पहले क्या मिलता था क्या नहीं मिलता था मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं हर पूजा का अपने एक निश्चित रकम ले लेता हूं। ये देखिए मेरा रेट कार्ड, मैं शिवरात्रि की पूजा का 5,000 रुपए लेता हूं, वो तो आपको देने ही पड़ेगा। जी, ये क्या? यदि आपको मेरा यूं ही अपमान करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? कोकिला बहन, आगे से ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी पर्व या प्रसंग पे मत बुलाइएगा। पंडित जी, मैं आपसे समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे। कभी कभी हो जाता है दिकरा, कई लोग एक साथ में एक काम पे लग जावे तो काम सवरने के बजाय बिगड़ता ही जाता है। कैम है?
बेहतर केम कोकिला जिगर जीबा मुझे अब मेरे कमरे तक छोड़ दे जीबा काका मुझे आपसे वो मेहता प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है हाँ चलो चल दिकरा तू पोतानू घर संभाल हम लोग चलते हैं जय श्री कृष्ण विवांच जय श्री कृष्ण मोती बहन जय श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानती है कि हर साल शिवरात्रि पूजन के लिए मैं ही पंडित जी को बुलाती हूँ कोई बात नहीं अगर आप पंडित जी को बुलाना चाहती थी तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कोकिला वो जो कुछ भी हुआ मोटा भाभी ये अच्छा नहीं हुआ शिवरात्रि पूजन के दिन हमारे घर में हमने पूजा रखी और क्या हुआ लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती मोटा भाभी ये पूजा हमने हमारे घर परिवार के शांति के निमित्त रखी थी और क्या हो गया गोपी बाओ जी माँ जी रसोड़े में चलो काम खत्म करने हैं मम्मी जी आपसे पंडित जी को बुलाने के बारे में मैंने ही बात की थी लेकिन अगर मुझे तभी पता होता जरा सी भी आइडिया होती कि उनके आने से इतना कुछ हो जाएगा तो मैं आपसे हरगिज नहीं कहती आई एम रियली सॉरी मम्मी जी आई एम वेरी सॉरी तुम क्यों सॉरी कह रही हो गलती तो मुझसे हुई है मुझे पंडित जी को बुलाने से पहले एक बार कोकिला को पूछ लेना चाहिए था कि उसने पंडित जी से बात की है या नहीं मम्मी जी लेकिन हमने हमारे परिवार के पंडित जी को बुलाने की कोशिश तो की थी ना लेकिन उनका फोन अनअवेलेबल आ रहा था और हमारे पास समय भी तो इतना नहीं था और तो और हमने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि काकी जी का थोड़ा बोझ कम हो जाए उनकी थोड़ी मदद हो जाए मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बेकार में ही आपको इतनी सारी बातें सुननी पड़ी नहीं राशि मुझे कोकिला की बातों का बुरा नहीं लगा है मुझे दुख सिर्फ इस बात का हुआ है बाहर वालों के सामने इतना बड़ा तमाशा हुआ जो नहीं होना चाहिए था मुझे आपने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया था सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से हुआ मम्मी जी आप घर की बड़ी हैं और मैं जानती हूँ आप घर का हमेशा भला ही सोचती हैं और वैसे भी ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं है मम्मी जी अगर
अगर यही गलती काकी जी से हुई होती तो आप उन्हें छोटा समझ के इस छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर देती, भूल भी जाती। मम्मी जी आप जानती हैं आपके स्वभाव की सबसे खास बात क्या है? आप बहुत जल्दी माफ कर देती हैं और भूल भी जाती हैं। आप ये सब छोड़िए और अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ।